बज गया बिगुल, बिच गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका, किसकी होगी मात। आप देखेंगे झारखंड विधानसभा से जुड़ी हर चर्चा और नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन कार्यालय में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने भरा पर्चा। कोडरमा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संतोष कुमार सिंह मानव ने भरा पर्चा। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संतोष कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह दिल्ली सरकार विकास कर रही है, उसी प्रकार मैं कोडरमा का विकास करना चाहता हूं। उसी प्रकार मैं अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता हूं। तीन तीन देवियां हमारे जिले में रहते हुए यहां के 48% महिला अशिक्षित, 42 बच्चे कुपोषित और 60% बाल विवाह हो रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ विकास नहीं विनाश हुआ है। मेरी लड़ाई यहाँ के सीधे तौर पर पिछली सरकार के मंत्री से है, जो विकास नहीं विनाश किया। वहीं मेडिकल कॉलेज के लिए लोग वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज कब बनकर तैयार होगा उसके बारे में बताएं। तो गिनाता हूँ आपको कि कोडरमा जिले में बाल विवाह का प्रतिशत 60% है, मतलब 100 में 60 बच्चियां विवाह की उम्र से पहले ब्याह दी जाती है। हमें इसको रोकना है। दूसरा जो हमारा इसमें है कि यहाँ के 42% बच्चे कुपोषित हैं, 42%, हमें इसको रोकना है। और 48% महिलाएं निरक्षर हैं, हमें इसको रोकना है। मानव जी, बतौर आप उम्मीदवार आज आपने नॉमिनेशन किया है, आप अब जनता के बीच में जाएंगे, क्या क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? मेरा दो ही मुद्दा है। पहला तो यह है कि दिल्ली का विकास मॉडल कोडरमा में लाना, जैसे दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, पढ़ाई फ्री, दवाई फ्री, राशन का अनाज घर में, जो प्रमाण पत्र होते हैं उसकी घर पहुंच सेवा, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा, जो दिल्ली का विकास मॉडल है उसको झारखंड में कोडरमा में लाना, ये हमारा पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा